हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो ड्रिल मशीन की जो बीट होती है उसे जब अलग से आप बनाते हो ड्रिल मशीन, तो उसमें बीट जो टाइट करने वाली स्क्रू होती है वो आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलता है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि घर के सामानों से कैसे आप उसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों से आप सिंपली घर पर ही स्क्रू को टाइट करने वाली जो स्क्रू नट होती है वो आप कहाँ से निकाल सकते हो, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये देखिए, ये बिजली का बोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस, सिंपली आप इसी बोर्ड से स्क्रू को निकाल सकते हो। पहला तो ये इंडिकेटर लाइट, इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। दूसरा फ्यूज से निकाल सकते हो और ये स्विच से निकाल सकते हो। ये तीन सामान से आप आसानी से स्क्रू को निकाल सकते हो। तो मैं आपको ये तीनों को खोल के दिखा देता हूँ। तो ये फ्यूज है बिजली वाली, तो मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। तो ये देखिए, हमने सिंपली से खोल दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये दो नट्स है जिससे हम वायर को टाइट करते हैं। तो आप इन दोनों की मदद से ही ड्रिल मशीन में काम कर सकते हो। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो आपको सिंपली इसे निकाल लेना है यहाँ से। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। मैंने भी शुरू में इसे ट्राई कर चुका हूँ। तो आपको सिंपली इसे निकाल लेना है। ये यहाँ से टाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको इसे तोड़ना होगा। अगर ये ख़राब रहेगी तभी आप इसे तोड़ना, नहीं रहेगी तो वो काम में आएगी। तो ये देखिए, हमने सिंपली इसे निकाल लिया है। ये देखिए, तब हमें ये करना है, सबसे पहले हमें इनके जो नट्स है उसे हमें खोल देना है दोनों के। इस साइड भी हमें खोल लेना, दोनों साइड से हमें खोल लेना है। तो ये देखिए, अब ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों यहाँ पर आप देख सकते, ये काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। तो हमें अब ये करना है, हमें एक और स्क्रू लेना है। आप सिंपली ये जो स्क्रू है आप इसे यहाँ से कट कर देना और ये दोनों को साथ में अटैच कर देना इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी इसमें टाइट कर लेना है। अब बचेगा सिर्फ हमारा ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो आपको ये करना है, पहला पॉइंट हमें यहाँ पर पहला जो पेन की जो लीड होती है, सिंपली आपको इसे लीड को यहाँ पर लगा देना है और उसे मोटर में लगा देना है। अगर मोटर आपकी यहाँ पर फिट हो जाएगी तो आप सिंपली डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर फिट नहीं होती है तब आप उसमें पेन का यूज करना दोनों साइड। इधर एक साइड आप बीट लगाना, जो ड्रिल मशीन की बीट होती है उसे यहाँ पर लगाना, और दूसरा यहाँ पर ड्रिल मशीन का जो मोटर है उसे यहाँ पर लगा देना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ सेट करके। तो ये देखिए, ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। तो हमने इसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसे फिट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक पाइप लगा दिया है, पेन का जो पाइप होता है उसे मैंने लगाया है यहाँ पर, और मैंने एक जो नट था उसे मैंने कट करके यहाँ पर फिट कर दिया है। जो ऊपर में यहाँ पर छोटा सा जो होल था उसमें हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। आप इसे फेविक्विक से भी चिपका सकते हो, मैंने डायरेक्ट इसे टाइट कर दिया है। और ये रहा हमारा बीट, तो इसे भी हमने सेम उसी तरह से किया है। यहाँ पर मैंने पाइप लगा के इसे भी टाइट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसे और इसे साथ में अटैच करना होगा। तो इस तरीके से इसे भी हम साथ में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर वायर को जोड़ लिया है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये मोटर अब स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको इससे इसमें करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो ये धीरे धीरे ये होल करने लगा, जबकि ये जो लकड़ी है ये काफ़ी टाइट है, ये बहुत भारी है, ये आसानी से होल नहीं होती है। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरह से ये होल कर रहा है।
तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबा दीजिएगा, साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।